मैं बहुत ही सम्मान के साथ जिस व्यक्तित्व को दखल प्राइड अवार्ड 2021 ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, वे कृपया मंच पर पधारें। श्री मनोज पटेल, जो किसान हैं और आज यहां पर ये सम्मान ग्रहण करने के लिए हमारे साथ हैं। हरदा ज़िले के सोनतलाई गांव के किसान श्री मनोज पटेल ने मिश्रित खेती कर खुद को किसानों का रोल मॉडल बना दिया। पहले पारंपरिक खेती करने वाले श्री पटेल ने 3 साल पहले 14 एकड़ में गन्ने की फसल लगाई थी। मुनाफा अच्छा हुआ, ये रकबा बढ़ा दिया और उसके बाद आपने केले की फसल लगाई। इसमें लाभ होने पर अदरक, हल्दी, मक्का, लाल तुअर की खेती शुरू की। पारंपरिक खेती की तुलना में मिश्रित खेती से आपको अधिक लाभ हुआ। आप ऐसा करके तकरीबन 30 कृषि मजदूरों को भी रोजगार प्रदान कर रखे हैं। एक बार समवेत स्वरों में हम जोरदार तालियों के साथ मनोज पटेल जी के इस प्रथम दखल प्राइड अवार्ड 2021 के प्रदाता हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, उनके हाथों से हम प्रदान करवा रहे हैं। पटेल हरदा के ग्राम सोनतलाई के रहने वाले हैं और मैं राता तले का रहने वाला हूँ। 8-10 किलोमीटर का अंतर है। जब इन्होंने जैविक खेती शुरू की तो घर वालों ने पहले सबसे पहले कि क्या हो गया, तू पागल हो गया क्या, दुनिया तो सब वो कर रही है। गांव वालों ने पागल घोषित कर दिया, समाज ने कर दिया, लेकिन मैंने उसको हिम्मत दिलाई। मैंने कहा बेटा कर, ये भांजा लगता है मेरा। मैंने कहा कर भांजा, आगे जाके आज सब लोग पागल कहते हैं। मैंने कहा ईसा मसीह को भी लोगों ने खिले ठोक दी थी, बाद में पूरे पूछते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको शुरू में लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन तू तेरे ध्येय पे चल, एक दिन तेरा पूरी समाज सम्मान करेगी, पूरा किसान समाज और पूरा समाज सम्मान करेगा। और ये कह, आज पूरी जमीन जैविक कर ली है खुद ने, खुद मेहनत करता है। और अब इसके यहाँ गेहूँ लेने लोग जाते हैं लाइन लगा के, चना लेने जाते हैं, मूंग की दाल लेने मूंग लेने जाते हैं, हर चीज़ गुड़ भी जैविक, हर चीज़ जैविक है। लेकिन सबको अगर कहेगा कि मैं 10,000 रुपये कुंटल भी गेहूँ बेचा है इसने, लेकिन एक कुंटल नहीं देता, 25 किलो से ज़्यादा किसी को नहीं देता, ताकि सब उसका उपयोग करें और पूरे क्षेत्र में एक प्रदेश के लिए और देश के लिए एक उदाहरण है कि एक किसान ने हिम्मत की कि मैं मेरे आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को जहर नहीं खिलाऊंगा। आज पेस्टिसाइड का उपयोग कर करके जहरीली हो गई है। भटिंडा पंजाब के अंदर एक जिला है जहाँ कैंसर ट्रेन चलती है सिर्फ पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण। और आज जो किसान आंदोलन पंजाब में हो रहा है उसका भी कारण वही है, क्योंकि वहाँ के गेहूँ और वहाँ के धान को FAQ में नहीं आता, कोई खरीदता नहीं। अगर कहे पंजाब का गेहूँ तो रोटी नहीं खाते लोगों, और इसलिए वो गेहूँ समर्थन मूल्य पे उनको भर दिया कि नहीं बिकेगा, MSP बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो पूरे घर से बाहर निकल कर रोड पे बैठे हैं। बाकी पूरे देश में कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जैविक खेती हमको अपनाना पड़ेगी, आने वाले बच्चों को भविष्य को बचाना है बहुत, तो हमको पूरे प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत एक युवा ने हिम्मत करके कि आज हमारे ज़िले में बहुत बड़ी संख्या में और भी हमारे किसान बैठे हैं। डॉक्टर विवेक बिस्कुटे जी बैठे हैं, उनके पिताजी और वर्षों से करते आए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो ये पूरे प्रदेश और देश के अंदर शुरू होगा। इसलिए मनोज जी आपको मेरी ओर से, व्यक्तिगत रूप से, हमारी सरकार की ओर से, लेकिन मध्य प्रदेश और देश के किसानों के और आम नागरिकों की ओर से आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। 80 गोवंश है, उनकी सेवा में स्वयं करता हूँ और कोई दूध घी नहीं बेचता हूँ, सिर्फ उनका दूध उनको अपनी जरूरत लगती है उतना लगाता हूँ और बाकी वो बछड़े बछड़ी पीते हैं।